स्वामी एहतसाब ब्यूरो इन एक्शन, चेयरमैन नैप ने चीनी और आटा स्कैंडल की तहकीकात की मंजूरी दे दी। जावेद इकबाल कहते हैं अरबों रुपए की डकैती, कीमतों में इजाफे, मुबैना स्मगलिंग और सब्सिडी दिए जाने की मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होगी। नैप फेस नहीं केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने पर यकीन रखता है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें चीनी और आटा स्कैंडल की तहकीकात की मंजूरी दी गई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना था कि नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है, नैब फेस नहीं केस मंतकी अंजाम तक पहुँचाने पर यकीन रखता है। नैब एलामिया के मुताबिक चीनी और आटा स्कैंडल पर अरबों रुपए की डकैती, कीमतों में इजाफे पर तहकीकात होंगी। इजलास में पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में मेगा करप्शन की इंक्वायरी की मंजूरी भी शामिल है, जबकि सीडीए के अफसरान, एहलकारों और निजी हाउसिंग स्कीम इंतजामिया के खिलाफ इंक्वायरी की भी मंजूरी दी गई है।